गुड इवनिंग गाइस, वेलकम यू टू दी एजिलाइट फेसबुक लाइव क्लासेस। गाइस, आपको साउंड क्वालिटी और बाकी आपको क्लियर दिख रहा है, विजिबल है सब, तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइए, जल्दी से बताइए गाइस, आपको विजिबल है सब? जल्दी से जल्दी सभी ऑनलाइन आ जाइए। ऑल गुड, ओके शिखा, ठीक है, आई होप आप सबको विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है जी, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके ईशु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। मैं देख पा रहा हूँ अभी और लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, तो जल्दी सभी ऑनलाइन आ जाइए। तो गाइज़, आज हमारा नाउन का पार्ट 5 है। ठीक है, आज हमारी 5th क्लास है नाउन चैप्टर की। पहले मैंने आपको 4 क्लासेस करवा दी हैं और आई होप आपको सारा वहाँ पर केसेस सारे समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस के ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं गाइज़। मैं आज आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे और उनके अकॉर्डिंग लगने वाली जो वर्ब है वो कैसे लगेगी वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन्स जो है बेसिकली आप जानते हैं कि उसमें आपके पास सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, हम यहाँ पर आज की क्लास में ग्रुप्स की बात करेंगे जो आपके पास कलेक्टिव नाउन्स की तरह यूज़ होते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो कई बार एग्ज़ाम्स में उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे ध्यान से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले हैं सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, हम सब सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा है अ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, तो आपको गाइस ये पता होना चाहिए कि कैटल्स के झुंड को क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में, हर्ड बोलते हैं। ठीक है, स्टार्स के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं आप, क्लस्टर। तो ये आपने साथ साथ में याद करते जाना है। ठीक है, स्टार्स के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं गाइस, क्लस्टर बोलते हैं। आंट्स के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, नेस्ट। ठीक है, NEST, नेस्ट, ओके। नेक्स्ट है आपके पास बर्ड्स, बर्ड्स आएगा तो आपने याद रखना है कलेक्टिव नाउन कौन सा लगेगा, फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक, इसे साथ साथ में याद करते जाइएगा। नेक्स्ट है जजेस, जजेस की अगर हम बात करें तो हम ज्यूरी बोलते हैं उसको। ठीक है, ज्यूरी, जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। मैंने आपको ज्यूरी के ऊपर सेंटेंस भी बताया था। ठीक है, तो ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स ओपिनियन, इस तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा था कि ज्यूरी के अकॉर्डिंग हम कलेक्टिव नाउन में इट या फिर हम इट्स लगाते हैं। ठीक है गाइस, इट या फिर इट्स लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो आपके पास प्रोनाउंस कौन से लेते हैं, इट या फिर इट्स, और जो वर्ब होती है वो कौन सी लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इज़ या फिर हैज़, मतलब ये आपके पास क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेकर चलते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया था। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देखिए एरोज़, तो इसके एरोज़ की जब बोछार होती है एक साथ से सारे एरोज़ आएंगे, दैट इज़ योर क्विवर। सो योर क्विवर जो है ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ होगा एरोज़ के लिए। अगर हम म्यूजिशियंस की बात करें गाइस, तो म्यूजिशियंस के लिए आप क्या लगाते हैं, बैंड, बैंड का यूज़ करते हैं म्यूजिशियंस के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें सिंगर्स की, ठीक है, अगर हम सिंगर्स की बात करें तो सिंगर्स के लिए आप लगाते हो कोर, CHOIR, कोर, अ कोर ऑफ सिंगर्स। तो इसे भी साथ साथ में आप नोट कर लेना, अ कोर ऑफ सिंगर्स, क्लियर है सबको? ठीक है, आगे देखिए शॉट्स की बात कर रहे हैं, तो अ वॉली ऑफ शॉट्स या अ वॉली ऑफ बुलेट्स भी कई बार आ जाता है। ठीक है, शॉट्स नहीं आएगा तो बुलेट्स भी आ सकता है, ये आपने याद रखना है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है सैंड, तो हीप तो आपने सुना होगा, अ हीप मतलब कि ढेर एक तरीके से। ठीक है, रेत का ढेर, अ हीप ऑफ सैंड, या फिर हम कई बार देखते हैं अ हीप ऑफ रबिश। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, अ हीप ऑफ रबिश, कूड़े का ढेर, तो कूड़े के ढेर को क्या बोलते हैं, अ हीप ऑफ रबिश। ठीक है,
ये देखिए सिंगर्स वाला मैंने अभी बताया था आपको, तो कोर ऑफ सिंगर्स, तो सिंगर्स के लिए कोर लगाएंगे, म्यूजिशियंस के लिए बैंड लगाएंगे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रास के लिए आप क्या लगाएंगे, टफ्ट ऑफ ग्रास, TUFT, टफ्ट ऑफ ग्रास। गर्ल्स या कई बार वुमेन के लिए आप उनके ग्रुप्स को बोलने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन में, तो दैट इज़ योर बेबी ऑफ गर्ल्स, BEVY, बेबी ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट देखिए रबिश के लिए, अगेन अ हीप ऑफ रबिश हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टर्स के लिए आपने सुना है कई बार अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास विंड, विंड के लिए हम क्या लगाते हैं, ए गस्ट ऑफ विंड, यानी कि हवा का झोंका, ठीक है। तो अ गस्ट ऑफ विंड, GUST, अ गस्ट ऑफ विंड, ठीक है गाइस। तो इसे याद रखना, ये आपके पास हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स। सभी ऑनलाइन आ जाइए, ठीक है, जल्दी से। इतना क्लियर है आपको गाइस, कुछ आपने इनमें से वर्ड सुन रखे होंगे पहले, कुछ नहीं सुने होंगे, तो ये जो जो नहीं सुने हैं वो उसको नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में, ठीक है। तो ये थे आपके पास कुछ कलेक्टिव नाउन्स, लगने वाली वर्ब सिंगुलर एंड लगने वाला प्रोनाउन इट या फिर इट्स। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट केस क्या है आपके पास, बोट्स के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, बोट्स के ग्रुप्स को बोलते हैं फ्लोटीला, FLOTILLA, फ्लोटीला ऑफ बोट्स, ठीक है, फ्लोटीला ऑफ बोट्स। नेक्स्ट है वुड, वुड के ग्रुप्स को आप क्या बोलेंगे, स्टैक ऑफ वुड, STACK, स्टैक ऑफ वुड। अब नेक्स्ट जो आपके पास गाइस दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है, एक तो आपके पास डांसर्स है और एक आपके पास लाइंस है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में एक ट्रूप की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए डांसर्स की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर जो आप ट्रूप लगाएंगे, जो यानी कि जो कलेक्टिव नाउन बताएंगे, वो आप TROUPE, ट्रूप बोलेंगे। और अगर आप लाइंस की बात कर रहे हैं तो अब वहाँ पर आप क्या बोलेंगे, TROOP, ट्रूप। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। डांसर्स के लिए TROUPE, ट्रूप, एंड लाइंस के लिए ये वाला ट्रूप आप लगा देंगे, ठीक है। रिया राना नॉट विजिबल, रिया राना अगर विजिबल नहीं है तो अपनी सेटिंग्स में जाइए और वहाँ से क्वालिटी आप देखिए, क्वालिटी को थोड़ा ज़्यादा 360p पे कर दीजिए, ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है, क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, सेटिंग्स पे जाके वहाँ से आप इसको 360p पे कर लीजिए। बाकी सबको विजिबल है, बाकी जो देख रहे हैं बाकी सबको विजिबल है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट्स में, बाकी सबको विजिबल हो रहा है गाइस, जिसको नहीं विजिबल हो रहा वो सेटिंग्स पे जाके। जिसको नहीं दिख रहा वो सेटिंग्स पे जाके 360p पे इसकी क्वालिटी कर लीजिए प्लीज। नहीं, नेटवर्क इशू नहीं है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे ओपन करके रखा है लाइव सेशन, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी क्वालिटी में शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, नेटवर्क इशू नहीं है यहाँ पे। गाइज नेटवर्क इशू नहीं है, तो आप अपनी अपनी जिसका नहीं क्लियर दिखाई दे रहा वो प्लीज अपनी क्वालिटी को सही कर लीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए क्या सबको विजिबल हो रहा है अब। यस सर इट्स विजिबल, ओके दीक्षा विजिबल है, विजिबल है, ओके सपना चौहान, ठीक है। तो देखिए गाइज नेक्स्ट है आपके पास बारबेरियंस की बात कर रहे हैं हम, बारबेरियंस यानी कि हॉर्डे ऑफ बारबेरियंस, ठीक है, HORDE। तो बारबेरियंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो अनसिविलाइज्ड पीपल, ठीक है, अनसिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड पीपल की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ योर बारबेरियंस, और उसके लिए हम स्पेशल कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं HORDE का, ठीक है, HORDE। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए ये तो थे हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, और अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। सो देर इज़ अ प्रैक्टिस सेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा हुआ है, द डैश ऑफ किटन्स स्लेप्ट इन द बास्केट। सो जिसको पता है वो जल्दी से आंसर बताइए मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट्स में बताइए, द डैश ऑफ किटन्स स्लेप्ट इन द बास्केट।
अपना अपना आंसर दीजिए सभी, जिसको पता है वो आंसर बताइए जल्दी से। यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आएगा, ठीक है। फिलिप्स में या एरर्स में आपके पास कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किटन्स के जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, किटन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो देखिए किटन्स के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, लिटर, LITTER, अ लिटर, द लिटर ऑफ किटन्स स्लेप्ट इन द बास्केट। लिटर के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लग गई, स्लेप्ट लग गई। V2 है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट में लिखा गया सेंटेंस है, ठीक है गाइस। द लिटर ऑफ किटन्स आएगा यहाँ पे, क्लियर है आपको सभी को, ठीक है। द लिटर ऑफ किटन्स याद रखना, और जो बाकी ऊपर बताए हैं आपको केसेस, ये भी आपने याद रखने हैं। स्टैक ऑफ वुड, ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ लॉयंस, अ हॉर्ड ऑफ बारबेरियंस, अनसिविलाइज्ड पीपल, असभ्य व्यक्ति जिसे आप कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का कोई आंसर, द डैश ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज। तो बर्ड्स के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, यस रिया राणा का आंसर आ गया है, वेरी गुड रिया, योर राइट आंसर इज फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक इज योर राइट आंसर, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फ्लॉक आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अ डैश ऑफ वोल्व्स अटैक द ट्रैवलर्स, ठीक है, वोल्व्स के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं गाइस। तो आप क्या बोलते हैं, पैक ऑफ वोल्व्स, PACK, अ पैक ऑफ वोल्व्स, क्लियर है आपको इतना, ठीक है। सपना चौहान का भी आंसर आ गया है, फ्लॉक राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर है गाइस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, पैक ऑफ वॉल्व्स आ गया। तो गाइस एक बात आपने याद रखनी है, इंग्लिश आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश को आप डेली, आप प्लीज इसके टच में रहिए, ठीक है, डेली आपने इंग्लिश करनी ही करनी है, क्योंकि अगर डेली छोड़ दोगे तो ये बेसिकली लैंग्वेज है ना, तो छोड़ दोगे तो आप वो भूल जाओगे, ठीक है। तो वोकैब अपना थोड़ी सी अच्छी रखिए, और साथ अपने डेली क्लासेस लगाइए, ठीक है। कम से कम अगर नहीं पढ़ना तो ये वाली लाइव सेशन लगा लीजिए करिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा आपके लिए, तो आपने यही इसको अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, क्लियर है गाइस सबको, ठीक है। चलिए अब वॉल्व्स के हम ग्रुप को बोलते हैं अ पैक ऑफ वॉल्व्स, ठीक है। पैक के अकॉर्डिंग अटैक द लग गया है, वो आपकी सेकेंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट में लिखा गया है। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ पुलिसमैन गार्डेड द मोस्क। तो देखिए ये आपने शायद नहीं सुना होगा, अ पोजी ऑफ पुलिसमैन, POSSE, ठीक है, सशक्त बल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं ना सशक्त बल, वो उसके पुलिसमैन के ग्रुप को जो आप क्या कहेंगे, पोजी ऑफ पुलिसमैन गार्डेड द मोस्क। बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि एग्जाम में आपको क्या ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। बाय चांस अगर पोजी ऑप्शन आता है तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जी फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे अब जल्दी से, अ डैश ऑफ शिप्स इज सेलिंग बाय, ठीक है। फोर्थ का आंसर क्या था, पॉजे, POSSE। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए, अ डैश ऑफ शिप्स इज सेलिंग बाय। आई होप आपको इसका आंसर पता हो, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिखा शर्मा, ठीक है राइट आंसर है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज, अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज सेलिंग बाय। फ्लीट, फ्लीट रिया राणा का और ईशू का आंसर आ गया है, फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है क्लियर है। तो देखो कुछ आपको केसेस पता है यहाँ पे, ठीक है, सबके आंसर आ रहे हैं। सपना का आंसर आ गया है फ्लीट, ठीक है। हेमंत लता का आंसर आ गया है फ्लीट, क्लियर है, ठीक है, सबका आंसर सही है। तो फ्लीट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गई गाइज, इज, मैंने आपको बताया है सिंगुलर वर्ब, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी इस केस में। चलिए ये था हमारे पास कुछ प्रैक्टिस, हमने कर ली कलेक्टिव नाउन्स की और उसके अकॉर्डिंग लगने वाली जो आपके पास वर्ब्स थी, ठीक है, सबको क्लियर है, इतना इजी था, बहुत इजी है, ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। आगे देखिए, लेट्स आइडेंटिफाई सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब गाइज यहाँ पर क्या दिया है आपके पास, मैंने एक एक्सरसाइज बनाई है आपके लिए कि यहाँ पर देखो मैंने आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये जो वर्ड्स हैं सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये एक आपके पास एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स दे रखे हैं। आपने क्या करना है कि आपने इन एडजेक्टिव्स को कन्वर्ट करना है और नाउन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, आपने इनको क्या करना है, नाउन की फॉर्म में लिखना है।
ये मैंने आपको इसलिए ये कुछ वर्ड दे रखे हैं क्योंकि कई बार एरर्स के क्वेश्चन में वो जान पूछ के आपको नाउन की जगह एडजेक्टिव दे देता है, ठीक है, एडजेक्टिव दे देता है नाउन की जगह, तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए वो क्लियर करवाने के लिए मैंने अलग से आपको ये कुछ केसेस बनाए हैं। तो इस आपने मुझे एक एक करके बताना है कि यहाँ पर इन जो एडजेक्टिव्स लिखे गए हैं इनकी नाउन फॉर्म क्या होगी। फर्स्ट वर्ड है आपके पास बॉन्ड, सो सबसे पहले आपने मुझे बॉन्ड बताना है कि बॉन्ड जो है आपके पास उसकी नाउन में आप उसको क्या कहेंगे, ठीक है, बॉन्ड वर्ड को नाउन की फॉर्म में आप क्या कहेंगे गाइस। जल्दी से आंसर दीजिए, बॉन्ड को आप नाउन की फॉर्म में क्या कहेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, जैसे मैंने मान लो मैंने लिखा हैप्पी, ठीक है, जैसे हम हैप्पी लिखते हैं ना, हैप्पी, तो हैप्पी तो एडजेक्टिव है, तो उसको हम नाउन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं हैप्पीनेस, हम क्या लिखते हैं, हैप्पीनेस लिखते हैं ना उसको। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे बॉन्ड का बताना है मुझे कि बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं नाउन की फॉर्म में, ठीक है। तो गाइज राइट आंसर आपका हो जाएगा बॉन्डेज, ठीक है, राइट आंसर विल बी योर बॉन्डेज, ठीक है। बॉन्ड को आप नाउन की फॉर्म में लिखेंगे तो बॉन्डेज लिखेंगे, BONDAGE, बॉन्डेज। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है रिजिड, तो रिजिड का आई होप आप सबको पता हो, तो रिजिड का बताइए जल्दी से, रिजिड का क्या होगा आपके पास आंसर। रिजिड का आंसर बताइए मुझे कि नाउन की फॉर्म में आप क्या लिखते हैं इसको। ये देखिए रिजिड को हम लिखते हैं रिजिडिटी, यस, ईशू का आंसर आ गया है रिजिडिटी, ठीक है। द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड्स, सॉरी द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड्स नहीं, द रिजिडिटी इन सॉलिड्स, इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या मैंने ये सेंटेंस सही लिखा है, द रिजिडिटी इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या ये सेंटेंस सही लिखा है जल्दी से बता दीजिए, क्या मैंने ये सेंटेंस सही लिखा है, द रिजिडिटी इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आंसर कीजिए सभी अपना अपना। तो देखिए रिजिडिटी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर वर्ब लगी है गाइज वो आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी, ठीक है। रिजिडिटी के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। रिजिडिटी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या आएगा यहाँ पे, इज आ जाएगा, ठीक है। रिजिडिटी के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी आपके पास वो क्या आएगी, सिंगुलर इज वर्ब आएगी। ठीक है, फर्टाइल की नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी। गाइज अब सबको विजिबल हो रहा है, कुछ नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कमेंट्स में, किसी को नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा। क्लियर है सबको,
ठीक है, पुअर का क्या हो जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड जो है आपके पास वो क्या है, नेसेसरी। तो गाइज नेसेसरी का आपके पास जो यहाँ पर हो जाएगा नाउन की फॉर्म में वो क्या हो जाएगी, हाँ जी आ गया, पुअरनेस आया है, रिया राणा का आंसर। रिया राणा का आंसर पुअरनेस आया है, पुअरनेस नहीं होगा गाइज यहाँ पे, पॉवर्टी होगा, ठीक है, पुअरनेस नहीं होगा, पॉवर्टी हो जाएगा, ठीक है, गरीबी, गरीब और गरीबी, ठीक है। हेमंत लता का भी पुअरनेस आ रहा है, नेसेसिटी, रिया राणा का आंसर नेसेसरी का नेसेसिटी, ठीक है, ओके नेसेसिटी, ठीक है गाइस। गाइस पुअर का पॉवर्टी, नेसेसरी का नेसेसिटी। लेजी का बताइए, लेजी का सबको पता होगा लेजीनेस, ठीक है, लेजी का क्या हो जाएगा, लेजीनेस, क्लियर है सबको, ठीक है, लेजी का हो जाएगा लेजीनेस, और इनोसेंट का क्या हो जाएगा, इनोसेंस, ठीक है, इनोसेंट का क्या हो जाएगा, इनोसेंस हो जाएगा, इनोसेंट का हो जाएगा इनोसेंस, क्लियर है जी। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास करियर राणा, आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो लेजी लेजीनेस राइट आंसर था। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एरर्स क्या। अब यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ चुकी है आपके सामने, तो जल्दी से सभी आ जाइए, ठीक है। और अब हम आंसर्स देखते हैं इसके क्या क्या आंसर होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एरर्स में, शी इज़ कैरिंग ऑन हर हेड अ बंच ऑफ स्टिक्स, ठीक है, अ बंच ऑफ स्टिक्स है, तो आंसर बताइए मुझे जल्दी से। यस हेमंत लता, ठीक है, तो बंच ऑफ स्टिक्स की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, शी इज कैरिंग ऑन हर हेड अ बंच ऑफ स्टिक्स। तो गाइज बंच ऑफ स्टिक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है। बंच किसका होता है, बंच तो फ्रूट्स का होता है ना, ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे गुच्छे को बोलते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बंडल्स, राइट आंसर हो जाएगा अ बंडल्स, BUNDLES, अ बंडल्स ऑफ स्टिक्स, ठीक है, बंडल्स ऑफ स्टिक्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, तो सेकंड क्वेश्चन में मुझे बताइए क्या गलती हो सकती है, सेकंड क्वेश्चन में जल्दी से गाइस देखिए और मुझे बताइए कि क्या गलती हो सकती है सेकंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन का सभी अपना अपना आंसर देंगे फटाफट से। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या गलती है, आपके पास लिखा है अ टीम ऑफ सेलर्स रश टू सेव द पैसेंजर्स ऑफ द सिंकिंग बोट। तो सेलर्स की बात हो रही है, तो सेलर्स के लिए याद रखना है यहाँ पर जो एरर है क्वेश्चन में वो एक कलेक्टिव नाउन का एरर है, ठीक है ना, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स के एरर दे रखे हैं, तो टीम नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा गाइज, क्रू ऑफ सेलर्स, याद रखिएगा क्रू ऑफ सेलर्स, CREW, क्रू ऑफ सेलर्स इज योर राइट आंसर, अ क्रू ऑफ सेलर्स रश टू सेव द पैसेंजर्स ऑफ द सिंकिंग बोट, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए, बटालियन ऑफ सेलर्स, बटालियन भी करेक्ट है, कोई बात नहीं, बटालियन भी ठीक होगा, रिया राणा, ठीक है, बटालियन भी हो सकता है, क्रू भी हो सकता है, दोनों ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, एन असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस केम टू एंटरटेन अस, ठीक है, एन असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस केम टू एंटरटेन अस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फटाफट से आंसर दे दो सभी, ये भी करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है, रिवीजन हो जाएगी आपकी, जल्दी से मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए और साथ में फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर बताइए, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए फटाफट से, सभी आंसर देंगे अपना अपना।
यस, रिया राणा का आंसर आ गया है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बिल्कुल सही। ठीक है, असेंबली नहीं होगा गाइज, यहाँ पर हो जाएगा बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ठीक है, सपना बैंड, वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से आपने रिवाइज करते जाना है गाइज। ठीक है, सभी के सारे के सारे क्वेश्चंस आपने रिवाइज करते जाने हैं कलेक्टिव नाउन्स के। आज का हमारा सेशन ही कलेक्टिव नाउन का है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको नाउन की क्लासेस में बहुत कुछ सिखाया, जैसे मैंने आपको अपोस्ट्रॉफी एस वाले केसेस बताए थे, ठीक है, और आपको मैंने पोजेशन वाला केस बताया था, हाइफिनेटेड नाउन वाला कंसेप्ट बताया था। ठीक है, चलिए, सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। दीक्षा शर्मा, बैंड बैंड बैंड, ठीक है, ओके, राइट आंसर सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ शॉल ऑफ वॉल्व्स अटैक द ट्रैवलर्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ गया है आपके पास, तो बता दीजिए गाइस इसका आंसर भी मेरे को फटाफट से, क्या आंसर होगा इसमें, क्या गलती है इस पूरे सेंटेंस में। अ शॉल ऑफ वॉल्व्स अटैक द ट्रैवलर्स, ओके, इशू का भी आंसर सही था, बैंड का प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था उन्होंने। अ शॉल ऑफ वॉल्व्स अटैक द ट्रैवलर्स, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या आएगा? ठीक है, वॉल्व्स के लिए कलेक्टिव नाउन क्या आएगा? पैक ऑफ, वेरी गुड सपना, राइट आंसर है बिल्कुल आपका। ठीक है, अ पैक ऑफ वॉल्व्स, PACK, पैक ऑफ वॉल्व्स इज योर राइट आंसर। क्लियर है गाइस, पैक ऑफ वॉल्व्स आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, पैक ऑफ वॉल्व्स। ठीक है जी, साथ साथ में वर्ब भी देखते जाना गाइस। ठीक है, वर्ब भी देखते जाना साथ साथ में, ओके। असेंबली के अकॉर्डिंग देखो, बैंड असेंबली नहीं, बैंड के अकॉर्डिंग वर्ब देखो, केम लगी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, और यहां पर पैक के अकॉर्डिंग भी यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, अटैक्ड। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, दीक्षा शर्मा का भी राइट आंसर है। चलिए जी, अब फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे देना है, जो इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बता देगा वो, ठीक है, वो सबसे इंटेलिजेंट है। ठीक है ना, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए ध्यान से और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती है। द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से और देन मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या गलती हो सकती है फिफ्थ क्वेश्चन में। तो चलिए गाइज, मैं आपको बताना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप अपने आंसर फिर भी दे दीजिए मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर गाइज, जो एक्सीडेंट्स आपके पास एक नाउन लगा है ना, एक्सीडेंट्स जो नाउन यहाँ पर लगा है, ठीक है, कामिनी शर्मा का आंसर आया है कि अमाउंट्स आएगा। ठीक है, ठीक है, और कोई, और कोई अपना आंसर दे सकता है? तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, ये आपने ध्यान रखनी है एक चीज़ हमेशा। देखो यहाँ पर एक्सीडेंट्स की बात हो रही थी, मतलब ये एक नाउन है आपका। अब एक्सीडेंट्स ज़्यादा है मतलब उसको ज़्यादा बताने के लिए आपने कुछ कलेक्टिव नाउन का यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है, अमाउंट की, आपने अमाउंट का यूज़ किया सेंटेंस में, ठीक है। बट देखो एक्सीडेंट्स जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, अब ये तो एक कलेक्टिव, सॉरी कलेक्टिव नहीं, काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है ना, काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। तो देखो काउंटेबल नाउन अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने फर्स्ट क्लास लगाई थी नाउन की, तो मैंने आपको बताया था जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, ठीक है, वो अपने साथ कभी भी क्वांटिटी या फिर अमाउंट, क्वांटिटी या फिर अमाउंट ये सब नहीं लेते, ठीक है, ये सब नहीं लेंगे। क्वांटिटी और अमाउंट की बात तो कभी आप काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं लगा सकते गाइस, प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनिए। काउंटेबल नाउन्स के साथ जो इन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो उनके साथ कभी भी क्वांटिटी या अमाउंट वाली चीज़ें नहीं लगाओगे। उनके साथ आप क्या लगाओगे, उनके साथ आप हमेशा क्या लगाते हो, नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ, इस तरीके से आप ये वाले वर्ड्स वहां पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी और अमाउंट तो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं जहां पे हम चीज़ों को मेजर करते हैं, उनको मापते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज़ आपने याद रखनी है, तो यहां पर आप अमाउंट को काट के क्या कर सकते हैं, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ
एक्सीडेंट्स इज योर राइट आंसर। अब देखो द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर मान लो यहाँ पे द ना होता, ठीक है, मान लो यहाँ पर द ना होता और मैं लिख देता अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, तो मुझे बताओ कि फिर अ नंबर के अकॉर्डिंग क्या इज वर्ब लगती? ठीक है, अ नंबर के अकॉर्डिंग क्या इज वर्ब लगती? नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जरा याद कीजिए, मैंने बताया था कि जब भी हम अ नंबर ऑफ करके लिखते हैं सेंटेंस, ठीक है, जब भी हम अ नंबर ऑफ करके लिखते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब चलती है वहाँ पे। ठीक है, क्या चलती है वहाँ पे? हमेशा प्लूरल वर्ब चलती है। क्लियर है ये बात आपको? जब मैंने आपको करवाया था चैप्टर तो मैंने बताया था कि अ नंबर ऑफ के साथ आप हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगाते हैं, और जब द नंबर ऑफ कुछ सब्जेक्ट आता है तब आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, जब द नंबर आएगा, जब द नंबर आता है आपके पास सेंटेंस में ऑफ करके, तब आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं गाइस। ठीक है, क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना? एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि गलती कहीं भी हो सकती है, ठीक है, एरर कहीं भी हो सकता है, फिलिप्स का क्वेश्चन कहीं से भी गलत हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा मेरी बात को। यहाँ पर एक्सीडेंट्स एक काउंटेबल नाउन था, इसको आप काउंट कर सकते हैं, तो अमाउंट कभी नहीं लगेगा, अमाउंट सिर्फ अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ लगता है। मान लो यहाँ पर कोई अनकाउंटेबल नाउन होता एक्सीडेंट्स की जगह, जैसे मिल्क होता, वाटर होता, ठीक है, या आपके पास कोई गैसियस का नाम होता, तो इस तरीके से वहाँ पर आप अमाउंट लगा सकते थे, बट यहाँ पर क्या आएगा? अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अ नंबर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब क्या आएगी यहाँ पर? यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या आनी चाहिए आपके पास? सिंगुलर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है, मतलब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज दे रखी है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर द नंबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सेंटेंस क्या बन जाएगा? द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इज योर राइट आंसर। ठीक है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अ नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगती है और द नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगती है। क्लियर है सबको इतना? ठीक है, जिसको नहीं समझ आएगा वो बता देना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। सो यहाँ पर आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली सेंटेंस में आपके पास एक पोइट्रीज वर्ड लिखा है, तो एज़ यू नो कि पोइट्रीज जो है वो आपके पास गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पोइट्री है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पोइट्री, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे पोइट्री लिखा है गाइस, तो पोइट्री के साथ कभी भी आपने एस या आई ई एस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आपके पास एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी आप प्लूरल उसको एस लगाकर नहीं बनाएंगे, ये आपने हमेशा याद रखना है। और दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो वर्ब लगती है वो हमेशा क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा फर्नीचर, FURNITURE, तो फर्नीचर्स कभी नहीं होगा। ठीक है, फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, याद रखना, हमेशा क्या होगा? फर्नीचर होगा। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स आपके पास बन जाते हैं। सो फर्नीचर्स नहीं होगा गाइस, क्या होगा? फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर। क्लियर है सबको? ठीक है, तो मैं अब रफ कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो आई होप आपने लिख लिया होगा और समझ लिया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको रफ कर दिया यहाँ से, तो हमारे पास क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपने कभी भी एस और यस नहीं लगाना, और यहाँ पे पोइट्री आएगा, इसका मतलब क्या आएगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपके पास राइट आंसर क्या होगा? पोइट्री। ठीक है, पोइट्रीज नहीं, पोइट्री। चलिए, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ पोयम, ठीक है, अगर मैं लिखूं पोयम, तो पोयम का पोएम्स बना दोगे आप? यस, पोयम का पोएम्स बन जाता है, क्योंकि ये आपके पास क्या है? एक कलेक्ट, ये आपके पास क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर है गाइस? ठीक है, ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा आपके पास। ठीक है गाइस, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। चलो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो फटाफट से। A five-man committee was appointed to look into the matter. A five-man committee was appointed to look into the matter. ठीक है, जल्दी से अपने अपने आंसर दीजिए मुझे। आई होप कि सबको इसका आंसर पता हो। ये केस मैंने करवा दिया क्लास में, ठीक है, ये केस हमने क्लास में डिस्कस भी किया था।
ठीक है, अ फाइव मैन कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इन टू द मैटर। तो देखो गाइज, इसमें क्या है, ये आपका जो केस बनता है ये बनता है हाइफिनेटेड नाउन का, ठीक है। ये केस किसका बनता है? हाइफिनेटेड नाउन का। अब देखो हाइफिनेटेड नाउन जो है आपके पास वो क्या है, देखिए हाइफिनेटेड नाउन मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई आपके पास नंबर लिखा, देखो एक फाइव नंबर लिखा, जैसे आप लिखते हैं ना फाइव स्टार्स होटल, तो आप स्टार्स नहीं लिखते हो, आप क्या लिखते हो, आप क्या लिखते हो, स्टार, फाइव स्टार होटल, ठीक है, इस तरीके से। तो जो हाइफन वाली आपको मिलते हैं केसेस, उसमें याद रखना फाइव लिखा है, नंबर है एक, तो उसके आगे आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पर फाइव मैन कमेटी आएगा, अपॉइंटेड में कोई गलती नहीं है, ठीक है, अपॉइंटेड बिल्कुल सही है, वॉज लगा है और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। ये सेंटेंस जो था ये आपके पास पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट केस के ऊपर। आई होप आपको ये केस भी क्लियर हो गया होगा। सेवन्थ क्वेश्चन क्लियर है सबको, ठीक है। ऐसे और भी मैंने केसेस बताए थे, जैसे आई हैव, आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स, ठीक है। तो 200 एक नंबर हो गया गाइस, देखो 200 एक नंबर हो गया, और यहाँ पे लगने वाला जो रुपी है वो सिंगुलर रहेगा। कई बार रुपीज़ दे देता है ना तो वो गलत हो जाता है, रुपीज़ नहीं आएगा, रुपी आएगा, ठीक है। नंबर के आगे आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स आता है। अब देखो टू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, नोट्स आएंगे, नोट्स ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना। और 100 यहाँ पर, सॉरी ये 200 तो वो है ना, नंबर है ना, इसके आगे अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर 200 से आगे भी अगर मान लो 2 लिखा है, जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स, तब यहाँ पर नोट्स आएगा, ठीक है। आई गेव हिम टू, देन अगेन 200 रुपी नोट्स, तब वहाँ पर टू के अकॉर्डिंग नोट्स आ जाएगा। अगर टू आपका हिम के आगे लगा होगा तब वहाँ पर आपके पास टू से आगे फिर क्या हो जाएगा, नोट्स लग जाएगा, नोट्स ज़्यादा हो जाएंगे और 200 रुपी उसकी क्वालिटी को बता देगा, ठीक है, 200 रुपी उसकी क्वालिटी को बता देगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो देखो एट्थ क्वेश्चन में अब चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन के ऊपर। सेवन्थ क्वेश्चन क्लियर है, मैन आएगा, फाइव मैन कमेटी। एट्थ क्वेश्चन में देखिए, अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग एन आर्मी पर्सनल, ठीक है। अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग एन आर्मी पर्सनल। अब मुझे कोई बता सकता है इस क्वेश्चन में क्या गलती होगी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट्थ में, क्वेश्चन नंबर एट में जहाँ भी आपको थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है वो मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए, देन उसको करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है ना। अगर किसी को गलती लग रही है एट क्वेश्चन में तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि कहाँ गलती हो सकती है, ठीक है, मिस्टेक कहाँ पर है, और फिर मुझे आंसर बताइए फटाफट से। अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा है गाइस, ठीक है ना, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा है। मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, कामिनी का आंसर आया है मैट, नहीं मैट में कोई गलती नहीं है, ठीक है, मैट बिल्कुल करेक्ट है, मैट में कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मीट मैट मैट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ना ये, तो ट्रेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैट आ गया है, ठीक है, ट्रेन के अकॉर्डिंग मैट लगा है, इसमें कोई गलती नहीं है। देखो लास्ट में क्या लगा है, आर्मी पर्सनल लिखा, देखो आर्मी पर्सनल, ये जो पर्सनल है ना, ये वाला जो पर्सनल आपको दिख रहा है, ये पर्सनल और जो आर्मी पर्सनल है उन दोनों में फ़र्क है। देखिए गाइज, आर्मी पर्सनल के लिए ऑफिसर्स की जब हम बात करते हैं तो आप हमेशा PERSONNEL पर्सनल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलती हो जाएगी। देखिए पर्सनल आएगा PERSONNEL, आर्मी ऑफिसर्स की बात हो रही है तो पर्सनल का यूज़ करना है, ना कि पर्सनल, PERSONNEL जो वाला पर्सनल है ये तो पर्सनल व्यू हो जाएगा ना आपका, कोई निजी मामला, ठीक है, तो ये तो पर्सनल दूसरा हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये गलती थी। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या सीख रहे हैं यहाँ से कि नाउन के क्वेश्चंस में किसी भी तरीके से आपके पास कोई भी वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, चाहे वो कलेक्टिव नाउन हो, चाहे वो अपोस्ट्रॉफी एस हो, चाहे वो हाइफनेटेड नाउन हो, चाहे वो कोई एक पर्टिकुलर नाउन क्यों ना हो, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो बिल्कुल डेप्थ से करवा रहा हूँ आपको गाइज, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में बोल रहा है ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबिलिटी या एबलनेस। आपके पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबिलिटी आएगा या एबलनेस आएगा, ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए फिर। एबिलिटी आएगा या फिर एबलनेस आएगा, एबिलिटी या फिर एबलनेस। एबिलिटी और एबलनेस, विच इज द राइट आंसर? एबिलिटी कामिनी का आंसर है। बाकी भी आंसर दीजिए गाइस प्लीज, और कोई आंसर दे नहीं रहा है यहाँ पे। रिया राणा का आंसर, सपना चौहान, प्लीज आंसर कीजिए, सभी आंसर दीजिए अपना अपना। ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबिलिटी और एबलनेस, ठीक है गाइस, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एबिलिटी, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? रीडिंग एबिलिटी। क्लियर सबको? एबिलिटी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। 10th क्वेश्चन देखिए, द राइटर गॉट हिज वाइफ्स परमिटेंस टू गो टू द सिनेमा, ठीक है, द राइटर गॉट हिज वाइफ्स परमिटेंस, एबिलिटी, हेमंत लता राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है, द राइटर गॉट हिज वाइफ्स परमिटेंस टू गो टू द सिनेमा। तो वाइफ्स की परमिटेंस नहीं आएगा गाइस, क्या आएगा? परमिटेंस की जगह क्या आएगा जल्दी से बता दीजिए मुझे, परमिटेंस की जगह क्या आएगा? परमिशन, ठीक है, परमिशन, वाइफ्स परमिशन, परमिट और परमिशन, ठीक है, परमिशन इसकी नाउन फॉर्म हो जाती है गाइस, ठीक है, परमिशन क्या हो जाएगी? नाउन फॉर्म हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर वाइफ के पोजेशन को बता रहे हैं ना, तो वाइफ्स की पोजेशन को बताने के लिए क्या लगाएंगे? परमिशन, एक नाउन की, ये देखिए वाइफ नाउन है और यहाँ पे परमिशन भी नाउन होगा, तो एक नाउन जब दूसरे नाउन पर अपने पोजेशन को बताता है तब हम ये लगाते हैं अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ठीक है, जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अपना पोजेशन को बताएगा तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे? अपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे, ठीक है, राइट आंसर रिया आपका, तो वहां पे हम अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर आगे। हाँ जी ठीक है, सबका आंसर सही है। आगे चलिए, देखिए आगे एक फैक्ट लिखा है आपके लिए, रिमेंबर आपने याद रखना है। देखो क्या बोला मैंने, एक सेंटेंस लिखा है, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्सिस। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपने याद रखना, देखो जब भी हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में लिखते हैं समबडी एल्स या नोबडी एल्स, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे आप जब पोजेशन आपने बतानी होती है तो आप कभी भी यहाँ पर समबडी के बाद या नोबडी के बाद आपने अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना, हमेशा इस केस में एल्स के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, तो इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है, हम हमेशा ही एल्स के बाद क्या लगाते हैं गाइस? अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा एल्स, ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं? एल्स के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। समबडी लिखा हो, नोबडी लिखा हो, ठीक है, तो उस केस में आपने अगर उसको आपके वहाँ पे आपको एल्स वर्ड दिख जाए तो आपने अपोस्ट्रॉफी एस जो है वो हमेशा एल्स के साथ आगे लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। नेक्स्ट देखिए, एवरीबडीज, यहाँ पे इज काट लीजिएगा, इज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, एवरीबडीज के आगे इज नहीं है, एवरीबडीज मैटर इज नोबडीज मैटर। अब इस केस में आपके पास एल्स नहीं लगा, सिर्फ एवरीबडीज लगा ना, तो एवरीबडीज के साथ आप इस तरीके के यूज करेंगे, एवरीबडीज मैटर इज नोबडीज मैटर, ठीक है, तो एवरीबडीज के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, मैटर एक दूसरा नाउन हो जाएगा और यहाँ पे नोबडी है, फिर एक अपोस्ट्रॉफी एस और फिर मैटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एल्स वाले केस में हमेशा एल्स के बाद अपोस्ट्रॉफी एस आपने लगाना है। क्लियर है सबको? ठीक है, इतना क्लियर है सबको?
चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट केस के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं फिर। देखिए, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। देखिए अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आगे देखो। यहाँ पर क्या है आपके पास कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला जो सेंटेंस है वो लिखा है हिज़ कार इज़ फास्टर देन मिस्टर ओबेरॉय, ठीक है। अब देखो गाइज, यहाँ पर कह रहा है कि हिज़ कार मतलब उसकी कार जो है वो फास्टर है। किससे फास्टर है? मिस्टर ओबेरॉय से फास्टर है। लेकिन मिस्टर ओबेरॉय से थोड़ी ना फास्टर होगी। मतलब आप यहाँ पर जो कार नाउन लगा है ना, ये जो कार आपके पास नाउन लगा है, बेसिकली आप उसका कंपैरिजन किसी पर्सन से कर रहे हो, ठीक है। ये तो पर्सन है कोई, ठीक है। तो मतलब आप नाउन का कंपैरिजन नहीं यहाँ पे पर्सन से कर रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर कार है मतलब किसी पर्सन की कार है, उसका कंपैरिजन आपने मिस्टर ओबेरॉय की कार से करना है, ठीक है। मिस्टर ओबेरॉय से नहीं करना उसका कंपैरिजन, उसकी कार से करना है। तो कुछ ऐसे केसेस में कई बार सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। देखो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा आपके पास? रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट वाला सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक कार का कंपैरिजन किसी पर्सन से कर दिया गया है, ठीक है। फास्टर जो है गाइज, ये आपके पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये एक कंपैरेटिव डिग्री लगी है एडजेक्टिव की, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर ओबेरॉय गलत हो जाएगा। तो नीचे देखिए क्या लिखा है, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर ओबेरॉय। अब यहाँ पर मिस्टर ओबेरॉय के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगाया है और इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कोई ना कोई नाउन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई नाउन है क्योंकि मिस्टर ओबेरॉय खुद एक नाउन है, तो वो नाउन इस नाउन पे अपनी पोजेशन अपना अधिकार तो बताएगा ना, क्योंकि अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ठीक है ना। अधिकार बताएगा तो अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। इसका मतलब कई बार सेंटेंसेस में नाउन नहीं भी दिया जा सकता, ठीक है। नाउन जो है वो मिसिंग भी हो सकता है, बट आपको समझ जाना है कि अगर यहाँ पे कार की बात हो रही है, मतलब उसकी कार का कंपैरिजन मिस्टर ओबेरॉय की कार से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी क्या है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक नाउन होगा और वो नाउन वही नाउन होगा जो सेंटेंस में पहले लग चुका है। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर ओबेरॉयज कार। क्लियर है सबको, ठीक है। तो हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर ओबेरॉयज कार इज योर राइट आंसर। अकेला मिस्टर ओबेरॉय बिना अपोस्ट्रॉफी एस के गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर कार का कंपैरिजन कर रहे हो तो मिस्टर ओबेरॉय की कार से ही करना है, और अगर बाई चांस आपको यहाँ पे कार नहीं दिया, आपको सिर्फ इतना ही सेंटेंस दिया है, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है अपोस्ट्रॉफी एस के बाद एक नाउन लगा हुआ है, ठीक है गाइस। समझ आ गया सबको, आई होप आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर मोर लेबरस देन दोज ऑफ दैट। अब कुछ केसेस में कंपैरिजन में ना हम दोज ऑफ दैट भी लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। देखो बॉयज के अकॉर्डिंग पहले तो वर्ब ठीक लगी है, बिल्कुल मोर लेबरस है। अब देखो मोर लेबरस जो है यहाँ पर ये एक कंपैरेटिव डिग्री लगी है आपके पास, ठीक है। एडजेक्टिव की ही डिग्रीज होती हैं ये, किसी ने पढ़ रखी होंगी, ठीक है। आई होप आप में से किसी ने पढ़ी भी होगी, कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, देखो यहाँ पर जो दैट लगा है ना वो बेसिकली क्लास के लिए लगा है, ठीक है। और जो दोज लगा है वो बेसिकली बॉयज़ के लिए लगा है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए हम कई बार इस तरीके से भी हम इनका यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो द बॉयज़ ऑफ दिस क्लास आर मोर लेबरियस देन दोज, यानी कि देन बॉयज़ से ऑफ दैट मतलब क्लास के जो लड़के हैं, ठीक है ना। तो देन दोज ऑफ दैट भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस चीज़ को भी आपने याद रख लेना, अपने दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड सेंटेंस देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। थर्ड सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, सोहन एंड सोहन्स स्कूल, ठीक है, या मैं बोलूँ राम एंड सीताज स्कूल, ठीक है, इस तरीके से देखो। तो मतलब कि जब भी आपके पास सेंटेंस में कोई नाउन लगा है, बीच में एक कंजंक्शन लगी होगी, ठीक है, बीच में क्या कंजंक्शन लगी होगी, फिर एक नाउन लगा होगा, तो पोजेशन बताने के लिए कभी भी आपने डबल टाइम्स अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना गाइस, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डबल टाइम्स अपोस्ट्रॉफी एस प्लीज मत लगाइएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, और अगर आप ऐसे लिखोगे राम्स एंड सीताज स्कूल, देन दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो ये सेंटेंस हमेशा गलत हो जाएगा, हमेशा ही जब भी एंड कंजंक्शन के साथ लगाओगे दो नाउन्स, तो सेकंड वाले के साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो जो स्कूल है वो राम और सीता दोनों का है, ठीक है। तो अपोस्ट्रॉफी एस सिर्फ एक के आगे ही लगाना है, डबल टाइम्स अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना केसेस।
चलिए जी फिर चलते हैं हम आगे अपने लास्ट केस के ऊपर। देखिए लास्ट केस में क्या है, द गर्ल्स ऑफ मुंबई आर सो गुड एज दोज ऑफ दिल्ली। तो देखो अब जो मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे मैंने दैन लगा के कंपैरिजन करवाया था, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एज लग के कंपैरिजन करवा दिया। तो देखो हम जब एडजेक्टिव करेंगे ना तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक कंपैरिजन एज से करते हैं, एक कंपैरिजन हम दैट से करते हैं, हम दो चीज़ों से कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, दो चीज़ों से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना, एक तो हम सॉरी दैन दैट नहीं दैन दैन से, ठीक है, एज और दैन से हम कंपैरिजन कर लेते हैं। कई बार आप देखेंगे कंजंक्शन आपको एज और एज भी मिलेगी, ठीक है, जैसे मैं लिखूं ही इज एज गुड एज हिम, ठीक है, तो ऐसे आपको कई बार सेंटेंसेस मिल जाएंगे जिसमें आप मतलब एज और एज की कंजंक्शन से उसमें देखेंगे कंपेयर करेंगे, और कई केसेस में आप क्या कर रहा है यहाँ पे कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा है, किसका कंपेयर हो रहा है, देखो दोज का, दोज है कौन है, दोज यहाँ पर कौन है, दोज आपके पास यहाँ पर गर्ल्स हैं, गर्ल्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब दोज आपने लगाया है गर्ल्स के लिए, ये गर्ल्स के लिए आपने क्या लगा दिया, दोज ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे मुंबई और दिल्ली की गर्ल्स में वो कंपैरिजन में किस तरीके से यूज करने हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे इन चार सेंटेंसेस की हेल्प से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है गाइस, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को, ये बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो आपने इनको हमेशा याद रखना है। तो गाइस हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप सब जानते हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन हम एक टेस्ट सेशन रखेंगे इसी नाउन चैप्टर का, जिसमें ऑनलाइन ही मैं आपका लाइव जो है वो टेस्ट ले लूँगा, ठीक है, तो आपने मुझे आंसर जो है वो फटाफट से बताते जाना है। तो ठीक है गाइस हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, सो थैंक यू सो मच।